हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज सचिन मिश्रा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 4, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड। जैसे कि ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है, इसके पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि हमने जर्नल में सीखे थे किस तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और इसके अलावा लेजर में किस तरीके से उनकी पोस्टिंग की जाती है। तो ये चीज़ हम लोग चैप्टर नंबर 3 में सीख चुके हैं, और इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन को भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यानी कि चैप्टर नंबर 4 में जिसका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड, जिसमें हम लोग बात करेंगे सब्सिडी बुक्स की। तो यार एक चीज़ बता दूं मैं, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ऑल द ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन ओनली जर्नल। ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड करना थोड़ा एक तरह से मतलब सही नहीं होता। कहने का मतलब है कि अगर कोई बड़ा बिजनेस एंटरप्राइज है, कोई बिग बिजनेस एंटरप्राइज है, तो उस कंडीशन में क्या है कि उसके यहाँ बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। बहुत सारे ट्रांजैक्शन का मतलब समझ रहे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजैक्शन इन ओनली वन बुक ऑफ प्राइम एंट्री, दैट इज जर्नल। तो सारे ट्रांजैक्शन केवल एक बुक में नोट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ओवरबर्डन्ड हो जाता है और वो लेंथी हो जाती है बुक। तो इसलिए देखो, छोटा अगर बिजनेस एंटरप्राइज है, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन कम है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होंगे। जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होंगे तो उसमें आप जर्नल में रिकॉर्ड कर लोगे, लेकिन जिसमें एक बिग बिजनेस एंटरप्राइज है और जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अकर होने हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग जर्नल को डिवाइड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो इन्हीं को बोलते हैं सब्सिडियरी बुक, और इसी को बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल, यानी कि जर्नल को बांट दिया गया है। ठीक है, और जिसको हम लोग सब्सिडियरी बुक्स के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा डे बुक्स के भी नाम से जानते हैं। तो जर्नल का सब डिवीजन किस तरीके से किया गया है कि ट्रांजैक्शन केवल जर्नल में नोट ना करके कुछ स्पेसिफिक बुक में भी हमें नोट करने हैं। ठीक है, अब वो स्पेसिफिक बुक कौन सी है, वो चीज़ आपको थोड़ा समझना है कि कौन कौन सी स्पेसिफिक बुक्स होती हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग स्पेसिफिक बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी सब्सिडियरी बुक्स, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, डे बुक्स, या इसी को जाना जाता है स्पेशल पर्पज बुक्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग? स्पेशल पर्पज बुक्स, क्योंकि इसमें जो बुक्स मेंटेन की जाएंगी वो किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही मेंटेन की जाएंगी। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बताऊँगा यहाँ पे बुक्स के बारे में, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैश बुक किस तरीके से मेंटेन की जाती है। ठीक है, कैश बुक के बाद नेक्स्ट कौन सी? परचेज बुक। परचेज बुक के बाद नेक्स्ट परचेज रिटर्न, बिल्कुल। परचेज बुक के बाद परचेज रिटर्न बुक, इसके अलावा परचेज रिटर्न बुक हो गई, इसके अलावा सेल्स रिटर्न बुक, और एक चीज़ और है, रुक जाओ एक मिनट, पहले सेल्स बुक, इसके अलावा सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और एक लास्ट में एक और बुक मेंटेन की जाएगी जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, जर्नल प्रॉपर के नाम से। ठीक है, तो दीज आर द सब्सिडियरी बुक्स और दिस इज द सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो इस तरीके से जर्नल को प्रॉपरली इतने बुक्स में डिवाइड कर दिया गया है। कहने का मतलब है जर्नल के साथ साथ में ये बुक्स और मेंटेन करनी है। ये तो जर्नल, देखो जर्नल है उसी को जर्नल प्रॉपर बोला गया है। अब यहाँ पे इसको बोला गया स्पेशल पर्पज बुक। इसमें होता क्या है कि कुछ स्पेसिफिक नेचर के ही ट्रांजैक्शन नोट किए जाते हैं। तो आखिर वो स्पेसिफिक नेचर के ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। एक एक करके आपको समझना है। सबसे पहली बुक मैंने कौन सी लिखी? कैश बुक। कैश बुक के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन या नगद ट्रांजैक्शन ही नोट किए जाएंगे। सुन लो, तो इसमें क्या है कि कैश बुक इज मेंटेन्ड, कैश बुक इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन, इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शंस। तो मतलब यहाँ पे नगद ट्रांजैक्शन आएंगे, चाहे तो वो कैश में हो और चाहे तो वो किस में हो, बैंक के थ्रू हो, तो आपको वो सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में नोट करने हैं। बात समझ में आ रही? साफ साफ लिखा गया है कि कैश बुक इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड
ओनली कैश ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शन, इसमें केवल नगद ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे और कोई ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, सैलरी पेड टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को आपने सैलरी पेड की है या तो कैश में पे की होगी या फिर किस में पे की होगी, चेक से पेमेंट किया होगा, तो वो हम नोट करेंगे, या परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश या सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो नगद ट्रांजेक्शन, मतलब या तो आपके रुपए जाएं या फिर आपको रुपए मिले किसी, सपोज डेट के कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हमें कैश रिसीव हुई, तो इस कंडीशन में ये कैश ट्रांजेक्शन है और इसको हम लोग कहाँ नोट करेंगे, इसको हमें नोट करना पड़ेगा कैश बुक में। तो सिंपली आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कैश बुक को हमें मेंटेन करना है टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, यानी केवल कैश ट्रांजेक्शन नोट करने के लिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बुक कौन सी लिखी है, परचेज बुक। परचेज बुक का जो नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे परचेज बुक से कुछ क्लियर हो रहा है कि भैया इसमें केवल परचेज नोट करेंगे, लेकिन एक चीज और, इसमें कौन सी परचेज नोट करेंगे वो चीज मैं बता रहा हूँ, केवल उधार खरीदा गया गुड्स, के क्या खरीदा, गुड्स, जो आपने उधार गुड्स खरीदा है केवल वो नोट करते हैं, कहाँ पे नोट करते हैं, परचेज बुक में, ठीक है। तो परचेज बुक इज मेंटेन्ड, परचेज बुक इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड ओनली गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि जो आपने गुड्स खरीदा है वो भी कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है, तो केवल हम उसको नोट करते हैं और उसके अलावा और किसी को नोट नहीं करते हैं। साफ साफ बोला गया है, रिकॉर्ड ओनली गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदा गया हो और कैसे खरीदा गया हो, उधार खरीदा गया हो, तो उधार जो हमारा गुड्स खरीदा जाएगा केवल वो नोट होगा, असेट खरीदी गई उधार वो नोट नहीं होगी, असेट उधार खरीदी गई वो नोट नहीं होगी। इसमें क्या खरीदा जाए, गुड्स, देखो गुड्स क्या होता है, गुड्स का मतलब है गुड्स आर दी थिंग्स और आर्टिकल्स इन विच बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, कहने का मतलब है परचेज और सेल जो कर रही है, जैसे सपोज डेट किसी की कन्फेक्शनरी की शॉप है, तो वो कोई कन्फेक्शनरी का आइटम परचेज करता है कहीं होलसेलर से, या फिर मान लो परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से, और उसके अलावा वो किसको बेच देता है, मान लो कस्टमर को बेचता है, तो वो उसके लिए गुड्स माना जाएगा। किसी की सपोज डेट के इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो परचेज कर रहा है इसके बाद कस्टमर को बेच रहा है, वो उसके लिए गुड्स माना जाएगा। किसी की फर्नीचर की शॉप है, तो फर्नीचर जो उसने परचेज किया है, मान लो नीलकमल की चेयर वगैरह है या मतलब और सोफा वगैरह उसने खरीदे, तो वो उसके अलावा कस्टमर को बेच रहा, तो वो उसके लिए वो गुड्स माना जाएगा। यानी कि जिस आर्टिकल में, जिस थिंग्स में बिजनेस यूनिट ट्रांजेक्शन में डील करती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गुड्स के नाम से। तो वो गुड्स परचेज जब वो उधार करेगा तो कौन सी बुक में नोट करेगा, परचेज बुक में। लेकिन अगर वो मान लो नगद परचेज करे तो वो किस बुक में जाएगा, आपका कैश बुक में जाएगा। नगद खरीदा है तो कैश बुक में, और अगर उधार खरीदा है तो फिर कहां पे जाएगा, परचेज बुक में। ये चीज आपको ध्यान रखनी। आगे बात, प्रॉपर्टी डीलर है तो बिल्कुल, तो वहां पे एक्चुअली वो प्रॉपर्टी डीलर है, प्लाट वगैरह बेच रहा है, तो फॉर कैश बेच रहा है, तो वो कैश बुक में अपनी ट्रांजेक्शन नोट करेगा, कितनी उसको कैश मिली है, ठीक है, या उसने किसको कितना पेमेंट किया है, तो कैश बुक में नोट हो जाएगा। और आगे बात कर रहे हैं जैसे कि परचेज रिटर्न बुक, तो वही साफ साफ लिखा परचेज रिटर्न बुक। तो हमने यहाँ पे जो सप्लायर से उधार गुड्स खरीदा था, सप्लायर से मतलब जो हमारे क्रेडिटर हैं जिनने हमें उधार गुड्स दिया था, अगर उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव होता है, एज पर ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है, या मतलब लेट डिलीवरी होती है गुड्स की, तो वो गुड्स आप अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते हो, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक में नोट किया जाएगा। तो परचेज रिटर्न बुक को हम लोग क्यों मेंटेन करते हैं, तो इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर विच वॉज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो हम लोग जो गुड्स पहले उधार खरीदा था उसमें से अगर कुछ गुड्स डिफेक्टिव होता है, अगर वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं होता है या लेट डिलीवरी होती है, मान लो वो टाइम निकल गया, जैसे दिवाली के टाइम मान लो किसी ने झालर वगैरह कहीं किसी को ऑर्डर दी थी, ठीक है, या लाइट्स वगैरह का ऑर्डर किया था, अब वो पता चला दिवाली के बाद उसकी डिलीवरी हो पाती है, तो फिर क्या फ़ायदा, तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, सीधी सी बात, डिमांड ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरीके से कई रीज़न हो सकते हैं कि आप अपने उसको रिटर्न कर सकते हो गुड्स। जब रिटर्न करोगे तो पर्चे रिटर्न बुक में नोट करोगे। आगे बोला गया है सेल्स बुक, कौन सी बुक बोली गई है, सेल्स बुक।
सेल्स बुक साफ साफ है, सेल्स का मतलब होता है बेचना। तो जो आपने उधार गुड्स बेचा है, कैसे गुड्स बेचा है, उधार। तो जब हम गुड्स उधार बेचते हैं तो उसको हम कहाँ पे नोट करते हैं, सेल्स बुक में। तो सेल्स बुक इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स। तो आपने अपने कस्टमर्स को जो गुड्स उधार बेचा है वो चीज़ आपकी नोट की जाएगी सेल्स बुक में, ठीक है। अब बात आती है कि अगर नगद बेचा है तो फिर कहाँ नोट होगा, तो नगद बेचा है तो कैश बुक में जाएगा, और अगर उधार बेचा है तो फिर कहाँ पे जाएगा, सेल्स बुक में जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर गुड्स मान लो नगद बेचा गया तो कैश बुक में नोट करते हैं, अगर उधार बेचा गया तो हम लोग कहाँ नोट करते हैं, सेल्स बुक में नोट करते हैं। आगे बात आती है फिर सेल्स रिटर्न बुक की, कि सेल्स रिटर्न बुक क्यों बनाई जा रही। तो हालांकि हमने जो कस्टमर को गुड्स बेचा है, अगर मान लो कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर देते हैं मान लो किसी भी रीजन से, तो वो हम लोग कहाँ नोट करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में। तो सेल्स रिटर्न बुक इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर से जो रिटर्न गुड्स आया है उसको हम लोग नोट कहाँ पे करते हैं, सेल्स बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में नोट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई इनको सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। इसके अलावा इनके साथ साथ में एक जर्नल प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, या जिस जो हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज बनानी सीखी थी वो चीज़ मेंटेन की जाती है। अब ये जर्नल प्रॉपर भाई क्या होता है, तो जर्नल प्रॉपर इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एबव मेंशन्ड बुक इन दीज बुक्स, यानी कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो अगर कोई ऐसे ट्रांजेक्शन है जो इन बुक्स में, ऊपर वाली बुक्स में नोट नहीं हो सकते हैं, तो उनको हम लोग कहाँ नोट करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। तो इसलिए जर्नल प्रॉपर को क्यों मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि जो इन बुक्स में नोट नहीं होंगे वो आपके हो जाएंगे जर्नल प्रॉपर में। एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि मान लो एक अपनी आप एक बैग में एक रफ नोटबुक रखते हो, कि मान लो कोई मतलब ऐसी चीज़ आपको नोट करनी है, कोई स्पेशल चीज़ जो मान लो उन बुक्स में नहीं आ पा रही, जो आपने प्रॉपरली हर सब्जेक्ट की नोटबुक बनाई है, तो वो आप कहाँ पे नोट कर लेते हो, रफ नोटबुक में। कुछ ऐसे ही समझ लो, जो इन बुक में ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे नोट किए जाएंगे, यानी कि जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड Those transactions which cannot be recorded in above subsidiary books। तो जो ट्रांजेक्शन आपके इन बुक्स में नहीं आएंगे, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल रिटर्न, तो वो कहाँ पे जाएंगे, जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूंगा, सपोर्ट डेट के असेट या असेट और मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, आपने मशीनरी उधार खरीदी, तो मशीन उधार खरीदी तो वो परचेज बुक में तो जाएगी नहीं, क्योंकि उसमें तो गुड्स उधार खरीदा है वो नोट होगा, और इसमें जाएगी नहीं, कैश बुक में नकद खरीदी होती तो जाती, तो वो हमारी कहाँ पे नोट की जाएगी, फिर जर्नल प्रॉपर में नोट की जाएगी, ठीक है। तो जर्नल प्रॉपर हम इसलिए मेंटेन करेंगे, जो और कहीं ट्रांजेक्शन नहीं जाएंगे वो यहाँ पे कहाँ पे नोट हो जाएंगे आपके जर्नल प्रॉपर में। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसको वो ऊपर नहीं आ सकता किसी, उसको जर्नल प्रॉपर में नोट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपके ट्रांजेक्शन होंगे वो हमें कहाँ पे नोट करने होंगे, यानी कि जर्नल प्रॉपर में नोट करने होंगे। हम सारे ट्रांजेक्शन जो भी हमें गिवन होंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली बुक्स में नोट करना है, और जो ट्रांजेक्शन इन 5 बुक्स में ना आए उस ट्रांजेक्शन को हम लोग कहाँ पे नोट कर देंगे, यानी कि जर्नल प्रॉपर में नोट कर देंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है कि जर्नल प्रॉपर हम लोग क्यों बना रहे हैं, ये वाली बुक्स क्यों बनाई जा रही हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।